पता ही होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे क्या पूरी दुनिया ही शॉक में है कि कैसा हो गया ये। अभी लिटरली कुछ काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, क्या करूं। एकदम जैसे मेरी बेटी ने मुझे बताया तो जस्ट शॉक्ड हो गई सुन के कि एकदम प्योरा, जस्ट अभी तक भी बिलीव नहीं हो पा रहा मुझे, मैं क्या करूं। पूरी दुनिया ही शॉक में है, क्या करें। को फॉलो करते आ रही हूँ एंड इवन मेरी बेटियाँ भी बिग बॉस में काफ़ी फॉलो किया उन्होंने। शुक्ला आए बिग बॉस में तो उन्होंने एंड तक उनको फॉलो किया, इवन हम सब उनको फॉलो करते थे, लेकिन अभी तक भी कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनके परिवार को भगवान, उनके परिवार को ये सब दुख सहने की शक्ति दे और उनके साथ सब अच्छा हो। बट अभी उनका दुख है जो वो किसी पहाड़ से कम नहीं है। समझ सकते हैं जब कोई अपना जाता है तो क्या कैसे दुख होता है, मतलब ऐसा लगता है पूरी जिंदगी खत्म हो गई ऐसा। क्या कर सकते हैं, यही लाइफ में यही एक चीज है जिसके साथ हमें समझौता करना पड़ता है और अब जोर नहीं है इस चीज पर। हम भगवान से लड़ भी नहीं सकते इसके लिए कि ये क्या है। स्टिल गाइज आई कांट बिलीव कि वो इस दुनिया में नहीं है। सीरियसली बनाना सिद्धार्थ शुक्ला सर, वी लव यू, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। एंड एक और बात कहना चाहती हूँ, लाइक लास्ट वीक ही हमने उनको देखा एक शो में आए और आराम से, मतलब शहनाज के साथ जैसे उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बॉन्ड था उन दोनों के बीच में। एंड आई डोंट नो शहनाज की हालत अभी क्या हो रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते। लाइक बहुत करीबी उनका दोस्त चला गया, मतलब उन्होंने ये सुना हो तो उनको कैसा फील हुआ होगा, वी कांट इमेजिन। बिग बॉस सब हम सब ने बिग बॉस में देखा उनकी माँ के साथ उनका कितना बॉन्ड था, कितना प्यार करते थे वो। आई डोंट नो उनकी मम्मी के ऊपर क्या बीत रही होगी। भगवान से बस यही प्रेयर करूँगी कि उनको ये शक्ति दे कि इस दुख से वो लड़ सके। आई नो ये बहुत मुश्किल होगा लेकिन यही लाइफ है, क्या कर सकते हो। यही आपसे कहना चाहूँगी सिद्धार्थ शुक्ला सर, आप जहाँ भी रहो हमारे दिल में आप हमेशा रहोगे। वी लव यू सर।